लगा इधर देखो झारखंड मुक्ति हां नारा लगा जय झारखंड जय झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद केंद्र सरकार बाबूलाल मरांडी जो आदिवासी है, बाबूलाल मरांडी को पूछिए अगर आप आदिवासी का बेटा होंगे तो आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, आप आरएसएस में क्यों चले गए? जिस बीजेपी को गाली देता था कि बीजेपी का कब्र खुदने वाला है, तब आप कहाँ थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी? आप आदिवासी और दलित होने के नाते आप बीजेपी में गए क्यों? आप आरएसएस का शुरू से कैडर रहे हैं, आपको सत्ता सत्ता की लालच आपको बीजेपी में खींच के आई है। अगर आप इस प्रकार एक दलित आदिवासी को बच्चा को परेशान कीजिएगा तो याद रहे ये झारखंड आंदोलनकारी और बलिदान से बना है। एक और छोटा सा बात कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये झारखंड ये युवाओं की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, इसलिए बार बार तानाखिसकी करके सीएम सर को परेशान किया जाता है, उसका टाइम को जाया किया जाता है कि आने वाले समय में कोई काम ना करे, कोई विकास ना करे, ना वोट मिले। लेकिन हम जब युवा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ है, साथ रहेंगे, तोड़ कर रख देंगे। जब तक हेमंत सोरेन को परेशान करोगे, झारखंड का एक एक सिपाही, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही जवाब देने का काम करेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी। अरे वहां अंदर रोड में भूख लग रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 झारखंड जिंदाबाद, 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 देखिए हम लोग शांतिपूर्ण हम लोग अपने राजकर्ता लोग जो हेमंत सोरेन को आठवां संबंध आया, जो ईडी जो गुंडागर्दी कर रही है उसकी गुंडागर्दी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड के लोग, झारखंड की जनता, झारखंड की युवा बर्दाश्त नहीं करेगी। ईडी अपना छापा मारे, ये तो जहाँ जहाँ केंद्र में इनकी जहाँ सरकार में है वो तो जुल्म कर रहा, सता रहा, फंड तक नहीं दे रहा, लेकिन झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जो अच्छा सरकार चला रही है, उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए जो ईडी छापा मार रहे हैं, मैं उनको नहीं चलने देंगे। झारखंड की जनता दिल दिया है, जान भी देंगे इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। मेरे एक कतरा खून बह जाए फिर भी झारखंड के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ईडी वापस दो, वापस दो, ईडी वापस दो, ईडी की धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए संविधान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है भारतवर्ष में, और संविधान से बड़ा ये कानून चलता है, और ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स ये मोदी के कुत्ते का गल्ला का बटन ना बने। मैं कानून से बात करने वाला सिपाही हूँ, अगर आप कानून से बात पूछताछ करेंगे तो माननीय हेमंत सोरेन सबके लिए है, और अगर उसके ऊपर चोट पहुँचाइएगा तो मैं ईडी को यहाँ खिद्दी बना देंगे, खिद्दी, खिद्दी। ये झारखंड जो है ना, झारखंड बलिदानियों से बना है, खून से बना है। पंकज मिश्रा भी इसी तरह बोलते थे कि ईडी क्या है, तो है। मैंने फिर कहा है जेल में उनसे क्या किया, एकदम कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई नहीं है। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि आप कानून से, अगर कानून की बात करते हैं तो आप कानून से आइए। आप देखिए आठवें समान आ चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक है मुख्यमंत्री, अभी तक जब से मोदी सरकार बना है कभी किसी के यहाँ छापा पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आप कानून से बड़ा नहीं है,
अगर कानून बना है तो सबके लिए बने, सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए नहीं बने। जो पहले कांग्रेस और जेएमएम में थे, एकदम भाजपा का हर एक वो कार्यकर्ता, हर एक मुख्यमंत्री, हर एक विधायक के पास जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार परेशान कर रही है, क्यों? क्योंकि ये आदिवासी और दलित का बेटा है, इसलिए आप जिस प्रकार हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं, आप 3.25 करोड़ जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल कहते हैं जो हेमंत सोरेन को छेड़ेगा, जो हेमंत सोरेन को छेड़ेगा।